tendering process, it is stated that everyone will get houses in Dharavi who are staying over there. So how do you claim and justify that people will get? Everybody knows how Adani tendering process works. The whole country knows it. Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how income tax department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. Sir, Deepak Kadam Sakal, ek second, please. Anushasan, please. दीपा कदम साकाल धारावी का रीडेवलपमेंट कैसे होगा इसका धारावी का डेवलपमेंट जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर होगा. आज उनके इंटरेस्ट को परे किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को निगेट किया जा रहा है और इनके इंटरेस्ट को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है. और सिर्फ धारावी की बात नहीं है, दूसरी जमीन की बात है, मैंग्रोव्स की बात है, मुंबई की फ्लडिंग की बात है. तो ये सिंपल चीज नहीं है कि भाई सिर्फ धारावी जा रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है. और हम चाहते हैं कि जो धारावी के स्टेक होल्डर्स हैं और मुंबई की जनता का इसका फायदा हो. तो जो भी होगा स्टेक होल्डर्स से पूछकर, स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ होगा, एक व्यक्ति के लिए सारे रूल्स तोड़कर नहीं होगा. राजू सोनवने, एबीपी माझा. नहीं, मैंने आपको लिस्ट पढ़ के दी है. 8 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको डिटेल करके दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बात बोली है मेरे बारे में कि कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं. तो ये हैं प्रोजेक्ट्स, लिस्ट हैं. इन प्रोजेक्ट्स को आप देख लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए. ये सारे के सारे महाराष्ट्र में आने थे, ये सारे के सारे गुजरात गए हैं. ये फैक्ट है. लास्ट और ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है. और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए. राहुल जी, अक्षय, एक सेकंड, ऐसा नहीं भैया, एक एक करके प्लीज, एक करके, अभी वो कहीं नहीं जा रहे. थैंक यू. तक आप अक्षय मानकणी, नहीं, TV9 मराठी. देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है. मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है, उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए. धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए का की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है. जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है. किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है. अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है. तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं. लास्ट क्वेश्चन, साहिल जोशी. राहुल जी यहां पर है. भैया लास्ट क्वेश्चन प्लीज. राहुल जी यहां पर है. किसको दे रहे? साहिल यहां पर. सर यहां पर. सर, कल जो महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अडानी का टेंडर रद्द करेंगे. क्या आपको लगता है कि आप और शिवसेना यूबीटी इस बात पर ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, आइडियोलॉजिकली आप ज्यादा अलाइंड है
कल आपके ट्वीट का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आपने बाला साहब ठाकरे के इस पर किया था, तो आपको लगता है कि आप दोनों ज्यादा अलाइंड है इस चीज़ पर? देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे सर, 23 तारीख के बाद फिर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सुनिए सुनिए भैया, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड। सो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जाना है, मुझे झारखंड जाना है। भैया आप प्लीज बैठ जाइए, मैं बात कर रहा हूं, आप बैठ जाइए, दो मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे झारखंड में भी ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और टाइमिंग की थोड़ी इशू है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इन चीजों के बारे में आपके और सवाल हो तो हमारी टीम यहां है, जो भी आपके सवाल होंगे वो डिटेल आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।